Hey guys, welcome back to another new video. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं अगर आपने अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का चेंजेस करा है, चाहे आप अपने नाम को चेंजेस करा है, आपने अपने सरनेम में चेंजेस करा है, लेकिन आप ये पता करना चाहते हैं कि यार यहाँ पर एक दो दिन बीत चुका, 10 दिन बीत चुका, लेकिन मेरे जो आधार कार्ड में किसी प्रकार का चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यार कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए गाइस, आप बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे पता करेंगे, तो देखिए गाइस, आप इसे बहुत तरीके से पता कर सकते हैं। आप खुद दिमाग लगाइए, आप बहुत तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप कैसे पता कर सकते हैं, आप जब भी आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का चेंजेस करते हैं तो आपको वहाँ पर SRN नंबर मिलता है, ठीक है। आपको वहाँ पर कोई ना कोई SRN नंबर मिलता है, तो उस नंबर के थ्रू आप यहाँ पर स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आपको शो कर देता है कि आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पर इन प्रोग्रेस में है या अपडेट हो चुका है, ठीक है। अगर अपडेट हो जाता है तो आपको वहाँ पर ग्रीन टिक मिल जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर लिख किया जाता है कि आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपके पास किसी भी तरीके का SRN नंबर नहीं है, लेकिन उसके बिना आप पता करना चाहते तो आप कैसे करेंगे? तो गाइस, उसके बिना भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे पता करेंगे, तो देखिएगा, इसका सिंपल सा फंडा है। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, तो अगर आप डाउनलोड करेंगे अपने आधार कार्ड को, तो भी आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड वाला डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपने कोई भी मोबाइल नंबर लिंक करवाया है, वो लिंक हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर हम खोलते हैं सबसे पहले तो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आपको सब कुछ बताने वाला हूँ यार, वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है। UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, तो जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है। नहीं, यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना जो आधार कार्ड है इसका जो नंबर है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो आपका जो नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं शो कर देगा, ठीक है। पूरा नंबर तो शो नहीं करेगा, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है, एक दो नंबर या तीन नंबर, आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर है वो यहाँ पर अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। अगर आपने नंबर अपडेट कराया है तो बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो यहाँ पर नाम अपडेट करा है, अब इसको कैसे पता करूँ? इसका भी आपको बता रहा हूँ यार, वीडियो में एंड तक बने रहिए यार, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड आधार कार्ड, कहाँ है थोड़ा सा देखता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड आधार, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, यहाँ पर कैप्चर कोड डाल दीजिए, सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, ठीक है। अगर OTP आ जाता है तब भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं यार, हाँ यार OTP आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता भी चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड में आपने अगर मोबाइल नंबर लिंक किया तो OTP आ जाएगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि लिंक हो चुका है आपका आधार कार्ड में, ठीक है। अगर OTP नहीं आता है तो जाहिर सी बात है आपका जो नंबर है वो यहाँ पर लिंक नहीं हुआ है, आप यहाँ पर वेट कीजिए, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं यार, अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं यार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है, आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके देखने के बाद ही आप वहाँ पर पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है। अगर चेंजेस हुआ है तो हो जाएगा, अगर इन प्रोग्रेस में है तो आपको डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। अगर इन प्रोग्रेस से बाहर आ चुके हैं, अगर आपका अपडेट हो चुके हैं, उसके बाद ही डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
यहाँ पर आप वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है, आपने जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया है उस नंबर को आप यहाँ पर डाल के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यार। यहाँ पर आप इसे देख के आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से इन सब ऑप्शन से आप अपने आधार कार्ड का जो स्थिति है उसको आप पता कर सकते हैं बिना किसी SRN नंबर। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डालना है वो करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी तरीके से ट्रैकिंग नंबर है, यानी कि आपने वहाँ पर नाम अपडेट कराया था, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रैकिंग नंबर तो मिला होगा SRN नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास है नंबर, अब आपको बताता हूँ कि उस नंबर से आप कैसे ट्रैक करेंगे, ठीक है, कि आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पर अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है चेक ऑनलाइन, ठीक है, डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो मैंने आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसका यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार तरीके से SRN नंबर का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालिए, उसी से आपको सब कुछ शो कर देगा। यहाँ पर आप SRN नंबर URN नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मेन खास नहीं है। ठीक है, आप सीधा आधार कार्ड नंबर से ही यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास SRN नंबर होना ही होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का चेंजेस कराया तो आपका जो आधार नंबर है या वर्चुअल आईडी कुछ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना, सेंड OTP पर क्लिक करने, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें OTP आ जाएगा, उस OTP को आप यहां पर फिलअप कर दीजिए। यहां पर आपको चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है तो आपको यहां पर शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यार आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अभी भी आपके पास कोई सवाल या जवाब है तो यार नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, एक भाई का कमेंट आया था कि यार कैसे पता करें कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार सेपरेटली वीडियो बनाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपको आपके पास किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। सो गाइस आधार कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। सो गाइस अगली वीडियो किस पर बनाया जाए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है आधार कार्ड से रिलेटेड या पैन कार्ड, किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट, आपको ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर से यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो गाइस बस आज के इस वीडियो में बस इतने ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। ठीक है, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले यार। ठीक है, क्योंकि यार ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो गाइस बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।